अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नसीम जहरा एटेट। चल रही है फिल्म पाकिस्तान की सियासत की, पावर पॉलिटिक्स की। कहीं सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन, कहीं इलेक्शन कमीशन का कहना कि किसके वोट लेके आपको कॉन्फिडेंस का वोट मिला है, कहाँ है वो 16-17 लोग। कहीं उनका कहना कि फौरी तौर पे हम यूसुफ रजा गिलानी को डी नोटिफाई नहीं करेंगे, मुस्तरद कर देना। कहीं हाई कोर्ट का कहना, कराची सिंध हाई कोर्ट का, कि फैसल वाडा के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करे वो कर सकता है। और उसका ये भी कहना कि हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 62-63 के तहत ना अहल क्यों नहीं किया, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बहुत सी बातें हो रही हैं। और इलेक्शन का जो हो रहा है सेनेट चेयरमैन का, उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के जो हैं कैंडिडेट यानी संजरानी साहब बड़े मजबूत हैं और वो जीतेंगे। फिर ये पूछा जा रहा है कैसे जीतेंगे, वोट तो उनके पास है नहीं मेजॉरिटी के। क्या हॉर्स ट्रेडिंग होगी, क्या होगा उस सूरत में, क्या ज़मीर की आवाज़ बोलेगी, क्या होगा। और फिर एक और नया ट्विस्ट कि ये कहा जा रहा है कि JUI को ऑफ़र कर दी है हुकूमत ने डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की सीट, लेकिन दूसरी तरफ से JUI कह रही है हमें तो कोई ऐसी खबर नहीं। और अगर ये खबर दुरुस्त हो तो बड़ी दिलचस्प खबर है, क्योंकि JUI के हवाले से आपने तो सुनी है जो जो बातें हुकूमती खानों से होती है। और फिर लेकिन ये ज़रूर कहेंगे हम कि इसको कहते हैं सियासत, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चाहते हैं सियासत एक और लेवल की हो, हाई मॉरल ग्राउंड पे चल के खेलें। लेकिन वो खेलना क्या मुमकिन है, नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। और शुरू करेंगे नाज़रीन प्राइम मिनिस्टर के वसीम अकरम प्लस के हवाले से। खबरें बड़ी गर्म हैं आज से, नहीं पिछले 4-5 रोज़ से, कि जो मुक्तदर हलके हैं वो कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को अब आप इनको घर भेजें। और प्राइम मिनिस्टर के वो हैं वसीम अकरम प्लस। अब क्या होगा आने वाले दिनों में उस खाने में, इस पर बात करते हैं। शुरू से करसद मौजूद हैं हमारे अपने सलीम बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, चीफ एडिटर हैं, एडिटर रह चुके हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पंजाब गवर्नमेंट की। और सेनेटर कामिल अली आगा साहब सीनियर लीडर हैं PML-Q के। और PML-Q जो है, जिसको डार्क हॉर्स कहें या बिगेस्ट हॉर्स कहें या मेजर हॉर्स कहें, वो भी देखते हैं। सेनेटर साहब आप बताइए ज़रा कि हो क्या रहा है, आपको क्या क्या हिंट्स मिल रही हैं, क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं। देखिए ये इलेक्शन तो इलेक्शन ही होता है। बहरहाल इलेक्शन चेयरमैन का मेरे ख्याल में तो बड़ा क्लियर है, सागर संजरानी साहब का। वो है भी बड़े किस्मत के धनी हैं। वो उस वक्त जीत गए थे जब उनके पास 5 वोट अपनी पार्टी के नहीं थे, तो वो जीत गए थे। फिर आपने देखा आधे एतवार भी उन्होंने किस तरीके से जीता। किस्मत कौन बनाते हैं सर, किस्मत कौन बनाते हैं सेनेटर साहब? खेलना हो तो उसके अंदर तो नतीजे सरप्राइज भी देते हैं। और ये काउंटिंग जो है ये एक तरफ रह जाती है और बंदा जीत जाता है। अच्छा, अब आपने तो सेनेटर की बात कर ली, सेनेट की चेयरमैन की बात कर ली, हम तो बात कर रहे थे CM पंजाब की, उस पर जरा बताइएगा। वैसे हम आएंगे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पे बाद में। पंजाब के अंदर कोई मेरे ख्याल में कोई चेंज वाली बात इस बात से बहस की जा सकती है कि वहाँ पे तब्दीली की जरूरत है कि नहीं है, आवाम मुतमिन है कि नहीं है, मसाइल किस हद तक हल हुए हैं, किस हद तक लोगों को डिलीवर किया गया है या नहीं किया गया, इसके ऊपर डिबेट हो सकती है। जी सेनेटर साहब, CM पंजाब पर आपकी क्या पोजीशन है, डिबेट को छोड़िएगा। CM पंजाब की और हमारी पोजीशन तो इमरान खान के साथ है जी। और इमरान खान साहब अगर उस्मान बुजदार के साथ खड़े हैं तो हम जाहिर है अपने अलायंस की वजह से, अपनी कमिटमेंट की वजह से, ठीक है, हमें मजबूरी है कि हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस आप कह रहे हैं अच्छी परफॉर्मेंस है, प्राइम मिनिस्टर के लिए वसीम अकरम प्लस है, तो आपके लिए भी वसीम अकरम प्लस है, इज दैट करेक्ट? लेकिन देखें ये बात जरा थोड़ी डिफिकल्ट है ये इसलिए डिफिकल्ट है कि जब आम आदमी मुतमिन नहीं होगा तो हमारी बेचैनी जो है वो तो हमें बेचैनी तो होगी, क्योंकि हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमने इलेक्शन में जाना है, हमें जाहिर है इस बात पे तशवीश रहती है, हम अपनी परेशानी का इजहार भी करते रहते हैं कि कारकर्दगी बेहतर होनी चाहिए, आम आदमी को डिलीवर करना चाहिए, गरीब का बुरा हाल है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बैड गवर्नेंस जो है उसकी इंतहा, अच्छा बैड गवर्नेंस की इंतहा है। ठीक ठीक मुसर्रत चीमा साहब, आप जरा बताइएगा ये जो सवाल पूरे मुल्क में इस वक्त उठाया जा रहा है, इस्लामाबाद पिंडी में तो बहुत ही उठाया जा रहा है और बुजदार साहब की रवानगी के हवाले से बातें हो रही हैं। अब आपको मालूम है और नाम भी सामने आ रहे हैं, अलीम खान साहब होंगे, कौन होगा, ये सब राजा बशारत साहब होंगे। तो आप बताइए कि ये इस तरह की बातें जब भी उठती हैं जब कुछ मसला हो तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा। बेसिकली तो मैं अर्ज करूं कि इट्स नॉट फर्स्ट टाइम, आपने भी मेरा ख्याल है इसके ऊपर आपका भी ये 20वां प्रोग्राम आई एम श्योर जरूर होगा जब से हमारी गवर्नमेंट आई। 20वां नहीं है किसी सूरत, लेकिन बहरहाल आप कहिएगा, आप मेहमान हैं। जी जी, तो आई मीन के 20वां, आई मीन ये महावरता नहीं मैंने बोला है, एग्जैक्ट नंबर तो अगर सारे प्रोग्राम्स को मिलाए तो इस पे बहुत सारे 20 प्रोग्राम हुए हैं तमाम चैनल्स पे। ठीक, और उसकी वजह ये है कि जिस शिद्दत के साथ, जिस शादमत के साथ ये कैंपेन आती है, फिर उसके बाद जो डिसीजन होता है वो आपके सामने है। माजी को अगर आप देखें तो इसी तरह देखें, एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट है तो प्राइम मिनिस्टर साहब हाईली कंसर्न है और उन्होंने कभी भी इस चीज से डिनाई नहीं किया कि अभी हमने अप टू द मार्क हमारी परफॉर्मेंस है, उसके पीछे जो रुकावटें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हम आवाम के आगे गाहे बगाहे, कितने माजी में प्राइम मिनिस्टर गुजरे जो हर दूसरे दिन आवाम को आगाह करें जो एक्चुअल सिचुएशन चल रही है। ये वो प्राइम मिनिस्टर है जो हर चीज में आवाम को ऑनबोर्ड लेते हैं। जी मैं प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं कर रही, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हूँ प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, मैं सीएम। और ये मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि बार बार यहाँ इस्लामाबाद से जो बात हो रही है वो कह रहे जी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने तो बड़े वसूख से कहा है कि ये बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि बस दिस इज इट, अब आप इनको हटाएं। देखिए सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि मालिक साहब की बाकी कितनी बातें सच साबित हुई है, मैं यही इसी तरफ आ रही थी, ये डिसीजन चूंकि प्राइम मिनिस्टर ने करना है ना, इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर का जिक्र कर रही हूं। दूसरी जहां तक रहेगी बात, देखें इसका राइट, प्रेरोगेटिव और असूली तौर पर ये प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक इसका फैसला नहीं करते तब तक ये सारी र्यूमर फैक्ट्री है। और आपको पता ही है, आप तो मेरे से ज्यादा उनको जानती है, आपका ताल्लुक तो मेरे से कहीं ज्यादा पुराना है, वो कभी भी लेतो लाल से काम नहीं लेते, उन्होंने जो फैसला करना वो कर लेते हैं, वो अपने किए हुए फैसलों को, ये वाहिद ऐसे सियासतदान है, एक मिनट लगाते हैं वो मतलब अंडू करते हैं और डिसीजन दोबारा करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे मुखालिफिन इसको यू टर्न कहते हैं, हम इसको इस्लाह कहते हैं, जो कि होती रहनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब उन्होंने ये फैसला करना हुआ तो वो किसी की इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस के तहत नहीं होगा, तो उनकी अपनी अप्रोच के तहत होगा, फिल वक्त ऐसा मैं आपको नजर नहीं आ रहा। ठीक, सलीम बुखारी साहब, आज तो जब बुजदार साहब रवाना हुए इस्लामाबाद के लिए तो खबर तो बहुत ही गर्म हो गई, और मैं ये मुसर्रत साहब के साथ जरा अग्री करती हूँ इस इशू पे, मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बुजदार साहब को बदलेंगे, जो भी कहे उनको ना कहे, आई थिंक ही इज गोइंग टू स्टैंड विद वसीम अकरम प्लस। आप बताइए। बहुत शुक्रिया आपका नसीम ज़हरा, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मधु किया है, मैंने अपने दोनों पैनलिस्ट जो है उनकी गुफ्तगू सुन ली है। मेरे ख्याल से कामिल अली आगा साहब ने इंतहाई मोहतात अंदाज अपनाया है, और जो मुसर्रत चीमा साहिबा हैं उनका ज़ाहिर है हमें स्टांस समझ में आता है, बिकॉज वो इस सेटअप का पंजाब में हिस्सा हैं। दो तीन बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि पंजाब के बारे में एक रवायत मौजूद है कि गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, इसलिए कि पॉपुलेशन के एतबार से, वसाइल के एतबार से पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ट्स जो हैं वो इस सूबे को मैनेज करते रहे हैं, चाहे वो मीर मोहम्मद खान साहब थे जब वेस्ट पाकिस्तान था, चाहे उसके बाद खार साहब थे, मुस्तफ़ा खार आपको याद होगा, फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब का फिनोमेना हमारे सामने है। ये सब कुछ देखते हुए अगर हम असेस करें कि पंजाब की परफॉर्मेंस क्या रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए आपको किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। खुद पीटीआई की जो लीडरशिप है वो इसका इकरार करती रही है, हत्ता कि इमरान खान साहब ने भी एक मरतबा कहा कि हम तवक्को के मुताबिक यहाँ अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सके। जो सबसे खौफनाक बात है बुज़दार साहब के हवाले से वो ये है कि उनके होते हुए पीटीआई के अंदर 5 पावर सेंटर्स मौजूद हैं। जितना मर्जी आप इसको डिनाई कर लें, मैं अगर आप कहें तो आपको नाम ले देता हूं उनका। जहांगीर तरीन साहब का अपना ग्रुप है, अलीम खान साहब का अपना है, चौधरी सरवर साहब का अपना है, और चौधरी परवेज इलाही साहब भी बहुत बड़े स्टेक होल्डर हैं इस हवाले से। और अगर आपको याद हो तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक दफ़ा चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश की थी, हत्ता कि फवाद चौधरी साहब ने भी एक दफ़ा अपना नाम सीएम के लिए चलवा दिया था। तो जिस पार्टी के अंदर इतने पावर बेसेस हों, इतने पावर सेंटर्स हों, वहां एक चीफ मिनिस्टर स्ट्रांग हो ही नहीं सकता। लिहाजा आपने देखा होगा कि कैबिनेट की मीटिंग कराने के लिए भी इमरान खान साहब को बनीगला से लाहौर आना पड़ता था, इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर जो हैं वो उनके इख्तियार में नहीं थे। अब वो आ गए हों तो शायद कोई मुआवजा हो गया हो, लेकिन ये सारे हकायक ऑन द ग्राउंड हैं, सबके इल्म में हैं, कुछ भी राज पर से मैं पर्दा नहीं उठा रहा। दूसरी बात यह है कि एक एस्टेब्लिशमेंट जो बहुत बड़ा फैक्टर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो आज से नहीं, वो 2 साल से कह रहा है कि बुज़दार को हटा दीजिए, मगर चूंकि इमरान खान साहब अपनी जिद के पक्के हैं, आप इसको कह लीजिए कि वो बहुत स्ट्रांग डिसीजन लेते हैं, जो भी नाम आप इसको दे लीजिए, लेकिन उन्होंने उनको हटाने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि रेजिस्ट किया है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो जिस रूट से आए थे जाएंगे भी उसी रूट से, नो मैटर कितना नुकसान इमरान खान साहब को उठाना पड़े। तो ये सूरत हाल है। एक दफ़ा फिर ये खबरें गर्म हैं कि बुज़दार साहब के हवाले से जो वसीम अकरम प्लस के नाम से जाने जाते हैं, कुछ ना कुछ होने वाला है। और ये जो आपने जिक्र किया कि वो जब चले वहाँ से तो खबरें जो हैं वो शदीद हो गई। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अब उस नहज पे पहुँच रहे हैं जहाँ उनको पंजाब को मैनेज करने के लिए, अगर उन्होंने बाकी 2.5 साल या 2 साल हुकूमत करनी है, तो पंजाब में उनको तब्दीली लाना नागुज़ीर है उनके लिए। ये मेरे ख्याल से इनएविटेबल्स जिसको कहते हैं वो होती जा रही है। अब देखते हैं कि वो किस करवट ये ऊंट बैठेगा और वो क्या फैसला करते हैं। वो तो नहीं बदलेंगे, वो नहीं बदलेंगे। बुज़दार साहब को आज मीटिंग के बाद भी यही अनाउंसमेंट हुई कि वो नहीं, बुज़दार साहब ही रहेंगे जारी और सारी पंजाब में। और बुखारी साहब, जहाँ तक मुख्तलिफ धड़ों का ताल्लुक है, ये तो सबको मालूम है कि वो धड़े हैं, आप उनको पावर सेंटर कह दें, लेकिन सबके सब अपनी जगह पे बैठे हैं इमरान खान की वजह से। और लगता ये नहीं कि इमरान खान किसी वजह से अपनी जो उनकी अपनी पर्सनल उनकी कंक्लूजन है उसको बदलेंगे। बुज़दार साहब के हवाले से इनसे पूछते हैं, कामिल अली आगा साहब से, ये इत्तेहादी हैं। कामिल अली आगा साहब, आपको लगता है कि कोई बड़ा नुकसान है इमरान खान साहब को अगर वो रखें बुज़दार साहब को? जी, आप कुछ कहना चाहते हैं सलीम बुखारी साहब? जी, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि अगर इमरान खान साहब ने अपनी जिद कह लीजिए या अपना इरादा जो है वो कायम रखा, तो जिस तरीके से पंजाब पर हमला होने वाला है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आ रही है पीडीएम, उसमें उनको फिर इन धड़ों की वजह से नुकसान होगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो आपको कामिल अली आगा साहब, ये जो इसी पर बात कर लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, आपको लग रहा है कि इसमें कोई सदाकत है, कोई जान है? और बिलावल भुट्टो ने एक मरतबा नहीं, 3-4 मरतबा पब्लिकली ये बात की है। देखें, जहाँ तक हमारा तल्लक है नसीम, हम मांगे तांगे की सियासत ना कभी करते हैं, ना मांगे तांगे की कोई इक़्तिदार का हासूल हमारा टारगेट ना रहा है ना होगा। आप हमारी पूरी पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो देख लें, हमारी क़यादत की देख लें, हम ना ही किसी साजिश का हिस्सा बनते हैं। बाहर तौर पे हम इस वक्त इमरान खान के इत्तेहादी हैं और इमरान खान की तरफ देख रहे हैं। बेचैनी बहुत है और मैंने आपको कहा कि खराबी भी बहुत है। अब इमरान खान का क्या टारगेट है और क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं उस्मान बुज़दार साहब को कायम रखे, ये वो बता सकते हैं, और उनका कोई हदफ होगा। लेकिन आवाम के अंदर जो सारी परेशानी और उनकी बेचैनी और आवाम का तजब्जब और उसके अंदर उनको जो तकलीफ है, उससे गाही देना इमरान खान साहब को हम पर फर्ज है, वो हम देते रहते हैं। अब वो क्या फैसला करेंगे। अच्छा एक सेकंड कामिल अली आगा साहब, इससे पहले खत्म करें हम ये सेगमेंट, आप फरमा रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर को आगाही देते रहते हैं जो मसाइल हैं पंजाब में, तो आगाही से एक कदम आगे बढ़ के आप जाहिर है उनको कोई रिकमेंडेशन भी देते होंगे, आप उनको कोई अपना तजावीज भी देते होंगे। देखें जो देखें तजावीज तो यही होती है ना जी के मामला को दुरुस्त किया जाए। ये हम उस्मान बुज़दार की मुखालफत में या उसके मुकाबले तो खड़े नहीं हुए हुए, हम तो इमरान खान के साथ हैं, इसलिए उनको बताते हैं वो फैसला करेंगे कि वो किस तरह इसको मीट करना चाहते हैं। आज आपने बताया, अभी सलीम बुखारी साहब मोहतरम ने बताया कि आज भी मीटिंग के अंदर यही फैसला हुआ है कि उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल वही वसीम अकरम प्लस रहेंगे। तो ये हदफ तो इमरान खान साहब के पास है ना, ये हमारे पास तो नहीं है। वो क्या अचीव करना चाहते हैं इनको कायम रख के, अवाम की परेशानी को बताना हमारा आप पे फर्ज है। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब, मुसरत साहिबा और कामिल अली आगा साहब। नाजरीन मेरा ख्याल है कि ये जो मुसरत चीमा साहिबा कह रही थी ना कि 20 यूँ प्रोग्राम कर डालते हैं आप लोग और बुज़दार साहब वहीं के वहीं और वहीं के वहीं रहेंगे, लगता ये है कि वो बात ठीक कर रही हैं। और इमरान खान साहब वो जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन और स्ट्रॉन्ग रूलर की बात है, वो लगता है हमें कि इमरान खान साहब खुद सेंटर से बैठ के उनकी कोशिश है कि वो पंजाब को संभालें और अपने वसीम अकरम प्लस को सपोर्ट करते रहें साथ साथ। फिलवक्त तो यही लगता है। अब आगे देखते हैं नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जो बाकी तमाम सियासी सूरत हाल है, कहीं इलेक्शन कमीशन, कहीं हाई कोर्ट, कहीं ऑल ऑफ दैट, उस पर बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, अब बात करते हैं कुछ जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इलेक्शन कमीशन में हो रही हैं, सिंध हाई कोर्ट में हुई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई हैं, और बहुत सी बातों का ताल्लुक जो है सेनेट के इलेक्शन से है। और उस पर देखते हैं कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो इस पर क्या फरमाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जज, फॉर्मर जज शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया खावर साहब अपने में ज्वाइन किया। कंवर दिलशाद हैं फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के, बहुत शुक्रिया कंवर दिलशाद साहब आपका भी। हैदर जमान कुरैशी साहब हैं, लॉ एक्सपर्ट हैं, सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। कुरैशी साहब बहुत शुक्रिया यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और एडवोकेट अजहर सिद्दीक हैं, बहुत शुक्रिया, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर एडवोकेट, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब। तो शुरू करते हैं आपसे शाह खावर साहब, कुछ फैसल वाडा पर ज़रा रोशनी डालिएगा। फैसल वाडा साहब के हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट का जो कमेंट आया है, डिवीज़न बेंच के एक जज अहमद अली साहब थे उन्होंने तो रिलीफ देने की बजाय रिलीफ मांगी थी उनसे फैसल वाडा के लिए। तौर पे जो फैसल वावड़ा साहब की जो एक जजमेंट जिनके खिलाफ आई है, मतलब वो वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लर्नड सिंगल जज की एक जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने तो पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया हुआ है, लेकिन उसमें उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं और वो आड़े आ सकते हैं आइंदा फैसल वावड़ा साहब की जो इलेक्टेड पॉलिटिक्स है उसमें, क्योंकि उन्होंने तो उस पर फैसला नहीं दिया। उन्होंने तो ये कहा कि बनज़र ज़ाहिर जो फैसल वावड़ा साहब हैं वो गलत बयानी के मुर्तकब पाए गए हैं कि जब उनकी अमरीकी शहरियत के हवाले से उन्होंने ओथ पे का नहीं जिसमें के सादिया बासी और एक और जो जी बिल्कुल हारून अख्तर को डिस्क्वालीफाई कर। अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में उनकी एक पिटीशन जो है वो ज़ेरे समात है और उसकी ज्यूरिसडिक्शन को उन्होंने चैलेंज किया था सिंध हाई कोर्ट में, और उन्होंने बल्कि एक इंटरिम रिलीफ भी मांगा था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो कार्रवाई से रोक दिया जाए। तो वो उनकी जो कार्रवाई की जो इस्तदा थी वो ये थी कि इनको नाअहल करार दिया जाए क्योंकि ऑन ओथ उन्होंने ऑफ कोर्स। तो ये बड़ा एक सिग्निफिकेंट है उनके लिए, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट ने वैसे तो उनकी पिटीशन को एडमिट कर लिया है, नोटिस भी दे दिए हैं रिस्पोंडेंट्स को, लेकिन उनकी जो बड़ी इस्तदा थी कि इलेक्शन कमीशन को उस कार्रवाई से रोका जाए वो उन्होंने डिक्लाइन की है, जो कि उसकी बड़ी इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और उन्होंने ये भी तो कहा कि उनको डिस्क्वालीफाई नाअहल। और उसके साथ साथ एक ज़रूरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो लर्नड सिंगल जज का फैसला है उसकी भी उनकी कॉपी भी मंगवा ली है। तो वो मैं समझता हूँ कि वैसे फैसल वावड़ा साहब की जो हिकमत अमली थी, ये दोनों प्रोसीडिंग्स जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी थी और इलेक्शन कमीशन में भी थी, तो उनका ज़्यादा ये था कि ये उसका वो उसके पीछे जो है वो रहें ताकि वो फैसला ना हो जब तक कि सेनेट का इलेक्शन ना हो जाए। अब उन्होंने देखा कि सेनेट के इलेक्शन में जो इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की जो 2 सीटें थी, जो कि उसके हवाले से उन्होंने वहाँ पे जो है वो पटिशन्स की मौजूदगी के बावजूद भी उन्होंने अपना वोट कास्ट किया और उसके बाद कौमी असम्बली की सीट से वो मुस्ताफ़ी हो गए। और उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस लगा हुआ था जिसमें उन्होंने उनके वकील ने कहा कि उन्होंने अपनी नशिस्त से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया। तो जिसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो पटिशन डिस्पोज ऑफ की, लेकिन वो एक बहुत बड़ी फाइंडिंग उनके अगेंस्ट उन्होंने जो दी है वो उनके आड़े आएगी। ठीक है, ये बताइएगा कंवर दिलशाद साहब कि अगर एक फाइंडिंग आ जाए एक एमएनए के खिलाफ जो कि एमएनए नहीं है बट सेनेट में चले गए और चेयरमैन बन गए, सॉरी सेनेट के मेंबर इलेक्ट हो गए, उस सूरत में ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फाइंडिंग है वो कोई इम्पैक्ट करती है इस पर? देखो कि शाह खावर साहब ने बड़ी तसल्ली से पूरी तमाम बैकग्राउंड से आपको सबको आगाह कर दिया। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के यहाँ कल ज़ेर समात है और उन्होंने कागजात नामजदगी जो कि एक सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट्स होती है जिसके बारे में साबिक चीफ जस्टिस साक़िब निसार की जजमेंट है, फैसला लिखा है, जजमेंट है उनका, तहरीर जजमेंट है। उन्होंने कहा कि जो आपका सेल्फ कंटेंट डॉक्यूमेंट्स में हक़ायक़ छिपाए, यानी कागजात नामजदगी में कोई हक़ायक़ छिपाता है जो उसने औथ कमीशन से अटैच करवा के साथ मुंसलिक किए होते हैं कागजात के, तमाम इसमें जो जो मैंने लिखा है वो दुरुस्त है, तो जनाब वो ताहयात नाइल हो सकता है। ये साक़िब चीफ जस्टिस साक़िब निसार की जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। अब ये हालात ये नज़र आ रहे हैं कि हमारे आपने ठीक है फैसल वावड़ा साहब को राइट बनता है कानूनी, उन्होंने 2 साल तक 1.5 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी किसी आर्डर को तस्लीम नहीं किया, हमेशा गैर हाजिर रहे, कभी हाजिर नहीं दिया, इलेक्शन कमीशन में कभी हाजिरी नहीं दी। ये सारे मामला जो है सिंध हाई कोर्ट भी देखेगा, इलेक्शन कमीशन भी देखेगा, और लेकिन जैसे हमारे दोस्त शाह खावर ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है, वो ताहयात नाइल भी होंगे, पार्टी की मेंबरशिप से भी ख़त्म हो जाएंगे और कोई सियासी जो है मामलात में भी उनका कोई भी पार्टिसिपेशन जो है वो भी इसके तहत नाइल की बात ख़त्म हो जाएगा। उनका सियासी कैरियर भी दाव पे लग चुका है। आखिर शुरू में इलेक्शन कमीशन तावन करते, इस्लामाबाद हाई कोर्ट तावन करते, मुमकिन है उनके खिलाफ फैसला आता तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट भी था, हाई कोर्ट्स भी थे, कई फोरम थे, वहाँ जाकर अपने इंसाफ ले लेते। देखिए यहाँ तो उन्होंने एट दी 11th आवर जो ड्रामा रचाया कि भाई मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। पहली बात है, मुझे हैरानगी की बात यह है कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हमारी इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर है उन्होंने उसके कागजात नामजदगी कैसे एक्सेप्ट कर लिए जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जुर्माना किया उनको 50,000 रुपये, और केस भी इलेक्शन कमीशन में चल रहा है ड्यू नेशनलिटी के बारे में, हालात के छिपाने के बारे में, तो उनको तो इलेक्शन कमीशन ने उसी टाइम खारिज करना चाहिए था। बाद में हाई कोर्ट से बेशक रिलीफ मिल जाता, लेकिन बहरहाल ये आपकी बात दुरुस्त है, शाह खावर साहब ने भी डिटेल बता दी। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में उसी में साक़िब निसार के जो फैसले पहले नवाज शरीफ साहब जो है वो डिस्क्वालीफाई हुए हक़ायक़ छिपाने पर, और जहांगीर तरीन भी डिस्क्वालीफाई हुए अपने हक़ायक़ छिपाने पर। तो इसलिए मैं समझ आ रही है आप कह रहे हैं कि ये आगे बढ़ेगी बात, और आप कह रहे हैं ये पोटेंशियली काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है उनके सियासी करियर के लिए। अज़हर सिद्दीक़ साहब, ये जो इस वक्त अली गिलानी साहब के हवाले से आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में बड़ी एक तगड़ी इस्तदा की पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने जाके कहा कि जी ये तो बड़ी ज्यादती है, आप कोई इंटरिम रिलीफ दें, और वो जो पूरा केस है उनका वो लेके वहाँ पहुँचे हैं जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी आप उन लोगों को भी लेके आएँ जो उसमें हिस्सा जो जिनका हिस्सा पड़ता है, क्योंकि वो सीखने गए थे कि किस तरह से वोट कैंसिल करें, और पैसों वैसों का भी जो मामला है। तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन एक क्रेडिबल तरीके से आगे बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया नसीम साहब। अगर मैं एक बात याद कर दूं फैसल वावड़ा साहब के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक 62(1)F के हवाले से कोई वर्जन नहीं दिया अनटिल एंड अनलेस 62(1) के कॉन्टेक्स्ट में सादगी आमीन होने के हवाले से जब तक कोर्ट वर्डिक्ट नहीं देता ना, तो मेरा ख्याल है फैसल वाड़ा साहब शायद उस वक्त तक सेफ हों। अब आती है बात आपके इस कॉन्टेक्स्ट में। एक सेकंड देखें ना, ये तो बात ठीक है अभी तक तो नहीं दिया, लेकिन कोई ये छुपी हुई बात है, यानी उन्होंने जो होल्ड किया वो किया कि प्राइमा फेसाई वो जो है गलत बयानी के मुर्तकिब हुए हैं, ये तो होल्ड किया उन्होंने, ये होल्ड किया उन्होंने। अच्छा ठीक है, एनीवे वो फिर केस लेकिन उसमें कोर्ट ने डिक्लेयर करना था, कोर्ट ने लफ्ज जो है ना कोर्ट ने, ये आप ठीक कह रहे हैं, ये आप ठीक कह रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल जज है उन्होंने भी यही ऑब्जर्वेशन दिया। एनीवे वो केस चलेगा आगे, देखते हैं। अब इस पर बताइएगा इलेक्शन कमीशन ऑन गिलानी साहब। अच्छा, यहाँ तक देखे ना, इलेक्शन कमीशन के दो किरदार हैं, एक उनका एडमिनिस्ट्रेटिव किरदार है, दूसरा वो जुडिशियल फंक्शन करते हैं। अब बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज ने कई एम्बिग्युइटीज पैदा कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन ने अपना माइंड उस प्रेस रिलीज के जरिए दे दिया, उन्होंने साफ लफ्जों में कह दिया कि हमने इलेक्शन साफ और शफाफ करा दिए हैं, आप एक तरफ मानते हैं दूसरी तरफ नहीं मानते हैं। तो एक तो बात बड़ी क्लियर, आई डोंट नो वाई पीटीआई वालों ने बायस अलैज क्यों नहीं किया, ये बायस का केस बनता था। अब दूसरी तरफ अगर आते हैं कि यहाँ 2 तारीख वाले दिन जब वीडियो आ चुकी थी, मैं इससे पहले बाकायदा वो एप्लीकेशन लिख चुका था, मैंने इलेक्शन पोस्टपोन होने का भी कहा था, मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद भी करें, सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन को खाली एक ओपिनियन समझते हैं, ओपिनियन मेरा हो सकता है, शाह खावर साहब का हो सकता है, कंवर दिलशाद, सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन नहीं देती, सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन देता है उसकी बाइंडिंग नेचर है। इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद नहीं किया और आपने हम सब ने देख लिया कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अली हैदर गिलानी ने जो बातें कही हैं, जो चीजें सामने आई, प्रामा फिशाई इंटरम तो उनका बनता है कि अगर देखा जाए उनको। और उसके बाद मरियम नवाज साहबा ने जो कहा कि यहाँ पर अपना नोट नहीं चले हैं, टिकटें चली हैं, तो आपको प्रामा फिशाई अगर चीजों को देखें तो 167 का 168 का 170 इलेक्शन कमीशन एक्ट के हवाले से प्रोविजन उनकी वायलेशन बनती है। 172 में सजा दी हुई है, 3 साल के लिए सजा हो सकती है, 1 लाख जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती है। लेकिन आइन के आर्टिकल 218(3) और सेक्शन 9 ऑफ द इलेक्शन कमीशन एक्ट अगर सामने रखकर देखें तो इलेक्शन कमीशन यूसुफ रजा गिलानी का डस्का वाले केस को बुनियाद बनाकर वही जो स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं उसके बुनियाद पर ना सिर्फ उनका, अभी तो नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ ना, वो रीपोल का भी कह सकती है। अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तो फिर तो केस ये इंटायरली डिफरेंट हो जाएगा। अगर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा फिर इन्हें अपना पीटीआई हफीज शेख साहब को इलेक्शन पटिशन में जाना पड़ेगा, वो एक लंबा प्रोसीजर है। सवाल ये है कि अब यहाँ पर बैठ के वो क्या फैसला करते हैं। इंटरम का केस बनता था, पीटीआई लीगल टीम मेरा ख्याल है शायद उस तरह हैंडल नहीं कर पाई उन चीजों को, उन्हें इसमें कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए, इंटरम लें, जो भी फैसला डिक्लाइन करें, ये आगे कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाए। इलेक्शन कमीशन माइंड दे चुका है, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई एडजुडिकेट करेगा इलेक्शन के बगैर। पहला भी अगर आप डस्का, अच्छा आप कह रहे हैं, एक सेकेंड, आप कह रहे हैं कि माइंड दे चुका है, लेकिन हियरिंग तो कर रहे हैं ना, मतलब कल भी उसकी हियरिंग है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और आपसे भी उनका इस पे व्यू लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। जमान सब, आप सुन रहे थे अभी क्या कह रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब। वो कह रहे हैं कि जी जो इलेक्शन कमीशन है उसका जो जहन है पहले से ही पता लग गया क्या है, और कुछ लोग कहेंगे कि वो फिर एक क्रेडिबल तरीके से आगे नहीं बढ़े, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने मेरा ख्याल है कहा है, जो हुकूमत की पार्टी उनसे कहा गया वापस जाके अपनी जो एप्लीकेशन है फिर से आप रीसबमिट करें, फिर कल आप आके सबमिट करेंगे तो हम देखेंगे इसको। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल पे आने से पहले एक कमेंट ज़रूर करना चाहूँगा अगर आप इजाज़त देंगी। फैसल वाडा साहब के मामले पे जो शाह खावर साहब ने कहा, कंवर साहब ने कहा, देखिए बादियों नज़र में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दे दी है और ये एक फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया है। और अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने होल्ड नहीं भी किया तो सिंध हाई कोर्ट, ये एक ऐसा इवेंट है कि उन्होंने जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया उस दिन तक वो ड्यूल नेशनल थे। अब उस डेट को तो कोई नहीं चेंज कर सकता, तो सिंध हाई कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन हो, एट द रेलेवेंट टाइम फैसल वाडा विल रन द रिस्क। और आपके नॉलेज में आना चाहिए कि जब बीए की क्वालिफिकेशन के केसेस आए सुप्रीम कोर्ट में और जब सेकंड टेन्योर में वो क्वालिफिकेशन ख़त्म कर दी गई तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डी सीट हुए क्योंकि उन्होंने माजी में मिस डिक्लेरेशंस की थी। तो आपने अगर एक बार झूठ बोल दिया तो आप सादिक और अमीन नहीं रहते, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। अब दूसरी बात अजहर साहब ने की, आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, आई एम श्योर जिन लोगों को उन्होंने सेनेटर बनवाया पीटीआई ने, अगर वो ना बनवाते और इनको बनवा देते तो शायद उनका केस बेहतर आर्ग्यू हो जाता। इलेक्शन कमीशन ने तो यही कहना है कि हमने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाया, वो जनरल इलेक्शन में भी ये कहता है, जब आरओ का था, जब आरटीएस बैठा तब भी उन्होंने ये कहा और अब भी ये कहा। प्रेस रिलीज इसलिए थी कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है और प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बड़ी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दी। अब आ जाते हैं अली हैदर के मसले पे। देखिए, इन्होंने बहुत सारी इलेक्शन एक्ट की प्रोविजंस गिनवाई हैं, मैं इतनी कानूनी बहस नहीं करूंगा, हम तो एक सियासी बात भी करेंगे और उसमें से कानूनी एंगल भी निकालेंगे। पहली बात यह है कि जो भी वीडियो दिखाई गई जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की और उमर अता बंदयाल साहब की, और जजमेंट है इस पे 21 पॉइंट्स जजमेंट है, उसमें पैरामीटर्स बड़े वाजे ले डाउन कर दिए गए हैं कि क्या एडमिसिबल है, किस तरीके से लीड किया जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि ये जो वीडियो है इसका पहले तो फोरेंसिक करवाएं कि क्या है और क्या नहीं है, कौन उसमें खड़ा है। और अगर हम मान भी लें एक मिनट के लिए कि वो एमएनए साहिबान हैं, वहां पे वो खड़े हैं, तो ये किसी तरह साबित नहीं होता कि इस वक्त जो करप्ट प्रैक्टिस की डेफिनेशन है इलेक्शन एक्ट में वो उसके किसी तौर पे भी जुमरे में नहीं आती। और अगर किसी को कहा भी गया है वोट जाया कर दिया जाए या उनसे छीना जाए तो वो ना इस्तेमाल करें, वो कोई रेशियल ग्राउंड नहीं है, उसमें कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इस वक्त जो मौजूदा कानून है उसमें कहीं आ सकता है। हाँ, सेक्शन 171 जी है आपका गालिबन पीपीसी में, और बहुत सारी कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं आपके लॉ में जहां किसी को इलेक्शन में मदाखलत पे या स्टिंग ऑपरेशन करने में यकीनन सजा हो सकती है। और ये बात भी अब कंक्लूसिव हो गई है कि इमरान खान साहब इस कंस्पिरेसी में शामिल थे, एड और अबेट किया और उसके बाद शाबाश भी दी कि आपने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। अब क्या स्टिंग ऑपरेशन की बुनियाद पर आप ये मफरूजा बनाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने जो एक अच्छा ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाया, और एक आपकी इल्यूजन है कि पैसे चले, और अगर पैसे चले थे तो 2018 में नसीम जहरा साहिबा आपने उसके बाद इलेक्शन कमीशन में इतनी फुर्ती से उन लोगों को 20 को निकाला है, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं गए? ये डे वन से आप देखिए कि जो इलेक्शन गिलानी साहब का हो रहा था, ये इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, ये पटिशने कर रहे थे। अब भी चेयरमैन सेनेट की रेस में दिन रात पटिशने हो रही हैं, इनके लोग जाली फ्रिवलेस पटिशने, इल प्रिपेयर्ड, जो हुकूमत और लीगल टीम आर्मी चीफ का नोटिफिकेशन निकालते। जी जी हैदर जमान साहब, आपकी बहुत सी बातें, आप यू नो यू मेड योर पॉइंट। एक तो बात यह है कि शोली राइट टू वोट एक उसकी जो सैंक्टिटी है, और फिर कि किसी को ट्यूटर करना कि वोट जाया करें, वो ये वीडियो वगैरह को छोड़ दें, यानी कि वीडियो में तो जिनका वीडियो है उन्होंने आके खुद ही बयान दे दिया कि जी मेरा वीडियो और मैं लोगों को मदद कर रहा था कि अपने ज़मीर के मुताबिक वो वोट डालें, ये तो उनकी एक्सप्लेनेशन है। लेकिन द एक्ट ऑफ टीचिंग समबडी टू वेस्ट अ वोट, उसकी कोई सजा नहीं है। आप पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस में जाएं, दुनिया में जाएं, तो 2-3 किस्म के ना प्रोटेस्ट होते हैं। एक होती है एब्सटेंशन, एक तो है ना आपने वोट डाला, खिलाफ डाला, डाला, एक है एब्सटेन करना, ये भी एक पोजीशन है। एक होता है कि आप जाके वोट जाया करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्गर प्रोटेस्ट होता है, लोग करते हैं कि आपका चॉइस ऑफ कैंडिडेचर गलत है, आपने 70 करोड़ 1, 70 करोड़ 2, 70 करोड़ 3 बोली आपकी हुई, लेकिन वो पब्लिकली करते हैं हैदर, वो पब्लिकली करते हैं, वो पब्लिकली करते हैं। जैसे सिंध में 2 एमपीएस पब्लिकली खड़े हैं, ये लोग पब्लिकली तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, पब्लिक ये प्रोसेस यही था ना, अगर किसी ने शो ऑफ हैंड के जरिए अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाना है वो करवाता है। अब यहां पे पब्लिक वोट नहीं था, यहां थ्रू सीक्रेट बैलेट था। तो आए ना, परसों इलेक्शन होने जा रहा है, आप रिफॉर्म्स करना चाहते थे, आप आज बैठे हम रिफॉर्म्स के लिए तैयार हैं, आप शो ऑफ हैंड्स करवा लेना। अच्छा, मुझे लेट मी गो टू अजहर सिद्दीकी साहब। अजहर सिद्दीक साहब जी बताइए, ये जो है प्रोटेस्ट अपना अपना ये मफरूजे हैं कि जी हम जो है ये करप्शन हुई है, ये तो कह देते हैं। जी हैदर साहब, आप अजहर साहब बताइए। देखिए, मैं बड़े हैदर छोटे भाइयों की तरह है, मैं छोटी सी बात करता चलूं। मफरूजा वो होता है जो हवा में बात की जाए। आपने फौजिया अशर साहिबा के वोट है 174 पड़े हैं, हफीज शेख साहब के वोट सामने आ गए। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, जो कहना है ओपन आके करें। यानी अगर किसी ने वोट जाया करना था, अगर वाकई जाया करना चाहता तो वो सामने आके जाया करता, और अगर जाया वहां करना था तो फौजिया अशर साहिबा में जाया होता। यानी ये कोई कोलिशन नहीं थी, ये पार्टी बेस्ड पार्टी, दो पार्टियों ने आपस में बैठ के ये फैसला नहीं किया था, ना ये जमीर का वोट था। अगर ये वीडियो सामने ना आती और मरियम नवाज साहिबा कहना कहती टिकट के हवाले से, मेरे अपने ट्विटर पे मौजूद है, मेरे अपने वीलॉग मौजूद है जिसमें मैंने वाजे तौर पर यह ब्रेक किया है कि 26 के करीब नवाज शरीफ साहब ने वोटर तोड़ लिए हैं, उनके एमएनए और एमपीएस, उनमें से 19 से वादा कर लिया हुआ टिकट देने का, और आने वाले इलेक्शन में आप ये देख। अच्छा अजहर साहब, ये मुझे ये सवाल करने दे। अजहर साहब, ये जो इलेक्शन में अभी आज जैसे मैं संजरानी साहब को देख रही थी, उन्होंने कहा कि जी मैं जाऊंगा हर पार्टी से, हर एक से मैं वोट मांगूंगा क्योंकि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं तो कैनवसिंग मैं करूंगा। अच्छा, अगर आप कैनवसिंग करते हैं तो शॉर्टली आप जाके ये तो कहते हैं जी अच्छा हम आपको ये देंगे वो देंगे, पैसा तो जाहिर है करप्शन है उसमें तो कोई बात नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन टिकट मुझे